2018 एशियन पैरा गेम्स के लिए, तो मेरी वालदा गिर चुकी थी, उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो वही चीज़ें उस वक्त मेरे अंदर थी कि मैं कैसे अपनी माँ को छोड़ करके चले जाऊँ। उस वक्त मेरे अम्मी के अल्फाज है, कहती हैं कि बेटा आपने इतनी मेहनत की है, मुल्क को आपकी ज़रूरत है, आप जाओ मुल्क के लिए आप खेलो। मैं क्या ही बोलूँ, यानी मुल्क और माँ में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे भले मैं रहूँ ना रहूँ, पूरी ज़िंदगी भर मेरे नाम के आगे ये लगा हुआ रहेगा कि शम्स आलम ने कभी इंडिया के लिए खेला। For the first time in our podcast history, which is exactly 2 episodes long, we have our first guest. We have our first guest, and actually, I am very excited to start it off with Shams. Yes, and matlab I would rather that he introduces himself. Yeah. So, like very simply, friends, I'm Shams Alam. I'm an international para swimmer, and khatam baat. Yes. और क्या ही बोलना है? और like आज बात करेंगे आज बहुत सारी. कैसा था आज सुबह, कैसी थी आपकी, हाउ वाज द मॉर्निंग? आज सुबह 3 न्यूज़ आई बहुत अच्छी, जिसमें से एक अच्छी नहीं थी। हाँ, तो अच्छी नहीं ये थी कि लाइक मैंने टेड फेलो के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने बोला कि सर हम नहीं कर सकते आपको। हाँ, क्योंकि बहुत आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 0.1% हमारा सक्सेस रेट। टेड फेलो थोड़ा समझाना। टेड फेलो मीन्स लाइक जो टेडेक्स पे स्पीचेस देते हैं, तो लाइक मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने पूरे वर्ल्ड में बीइंग अ डिजेबल्ड पर्सन सबसे ज़्यादा टेडेक्स टॉक दिया है। मैंने 13 टॉक्स दे दिए हैं, बाहर के दो थे, एक स्विट्जरलैंड के थे, कोरोना ने उसे खा लिया, एक बांग्लादेश था उसे भी खा लिया, और एक US का था वो भी चले गया। वो तो आपको वीज़ा नहीं मिलता US? मैं US का जैसे दामाद बोलते हैं ना, वैसे बन के वहाँ पे 2 महीने रह के आया हूँ मैं। क्या नाम बताते हैं आप वहाँ उनको? आई कैन क्रैक दैट जोक बिकॉज आई शेयर दैट नेम। बिल्कुल। दो अच्छी खबरें ये थी कि आज लाइक सुबह सुबह मुझे US के चैलेंज एथलीट फाउंडेशन है, वहाँ से स्पॉन्सरशिप मुझे मिल गई, मेरी ग्रांट है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरे आपके साथ में मैं इस पॉडकास्ट पे हूँ, इससे बड़ी और क्या न्यूज़ सर, ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है सर। हाउ डू यू अप्रोच टेडेक टॉक्स? मतलब मैं जब पहली बार गया तो मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे कि भाई क्या बोलना होता है, कैसे क्या करना होता है, और मुझे किसी ने कहा था कि जितना ज़्यादा स्ट्रगल स्टोरी उतनी अच्छी है। तो डू यू थिंक दैट्स अ फैक्टर ऑन बीइंग सक्सेसफुल ऑन टेडेक्स? हर बार आप ऐसे ही सुनाते रहोगे कि मेरी दुख भरी कहानी है, तो वो क्यों, यानी क्यों आपको सुना रहे, वो कोई किसी मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म पे चले जाओ आप। मैं एक्चुअली में जो कर रहा हूँ, क्या आइडियाज़ है, क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं पीपल की माइंडसेट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आगे बात करता हूँ। तो लाइक एक प्रैक्टिकल अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं आपके यहाँ अभी एक ये व्हील चेयर आप देख रहे हो यहाँ पे आपके यहाँ रखी हुई है, ये एक व्हील चेयर है। अभी मैं जब IIT पटना में एक टेड टॉक दिया था, तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि लाइक कैसे हम बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम अपनी कम्युनिटी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो गलती से मैंने बताया था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर। कंप्यूटर साइंस सर। अरे क्या बात है, कंप्यूटर साइंस आपसे तो प्लेसमेंट मेरी नहीं हुई सर। प्लेसमेंट नहीं हुई सर, देखो क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरा तो जोक है कि इंजीनियरिंग लोग करते हैं ये समझने के लिए कि आप क्या करना है। हाँ, आप क्या करना है। हाँ, वो तो सही है। तो जब मैं ये जो आप US का बोले कि US में आपको वीज़ा कैसे मिला, तो जब मैं वहाँ गया था, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अर्लिंगटन में, और उन्होंने कुछ ऐसी व्हील चेयर डेवलप की थी जिसमें वो मेरे मूवमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे मसल्स के कौन से मसल्स में कितना पावर लग रहा है, मैं कितना वो सारी चीज़ें मूवमेंट दे रहा हूँ, कितना स्पीड मेरी जा रही है, कितनी आ रही है, वो सारी चीज़ें वो कर सकते थे। तो लाइक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर वो सारी चीज़ें यहाँ पे आए और फिर हम लोगों को भी वैसे मिले। अभी आप देख रहे हो मैं कितना फ्री हूँ ना लाइक ये व्हील चेयर पे, और अगर वही मैं उस पर बैठूंगा ना तो मेरे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उसके अंदर धस गया, वो बोलते हैं ना कन्फाइंड हो जाना, वैसा हो जाऊँगा। तो वो आई थिंक वो है ना कि दैट इज़ मेड बाय एन एबल्ड पर्सन
थिंकिंग अबाउट कि लाइक एनीवन विद डिसेबिलिटी दैट हाँ, वो इसलिए है ऐसा ना क्योंकि लाइक तो वो ऐसा है कि उस पर मैं भी बैठ सकता हूँ, आप भी बैठ सकते हो और उससे उनको कुछ लेना देना, लेकिन ये जो है ये फुली कस्टमाइज है, जैसे कि मेरी टी शर्ट शर्ट्स कस्टमाइज रहती है मेरे लिए, वैसे ये मेरी व्हील चेयर है, हमारे लिए ये एकदम हिस्सा है, हेल्थ है, बहुत प्रायोरिटी है उसको, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी. हाँ तो वो है क्योंकि इसके बगैर मैं सोच नहीं सकता हूँ. तो ये चीज़ें मैं वहाँ पे बताया कि ये एक आइडिया है जिससे लाइक पीपल विद डिसेबिलिटीज गेट एम्पावर्ड. और व्हील चेयर तो ऐसा है कि लाइक ठीक है इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में कभी ना कभी हम लोग थोड़े ओल्ड एज हो जाते हैं तो हमारे किसी को भी लगता ही है वो. एंड आई थिंक मतलब जस्ट टू एड टू दैट थॉट, पीरियड्स पे रिसर्च नहीं होती है एंड इट्स नॉट अ मतलब कोई बीमारी नहीं है, कोई वो नहीं है, बट जस्ट द पेन और ये सब उसके साथ जो एसोसिएटेड है उस पर इतनी रिसर्च नहीं होती है, ओनली बिकॉज मेजॉरिटी को उससे इम्पैक्ट नहीं है. एंड मतलब अब मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है कि मे बी हमारे दिमाग कभी व्हील चेयर्स पर गए इसलिए भी नहीं क्योंकि हमको तो लगा कि ये एक मजबूरी का डिवाइस है. टू बी वेरी ऑनेस्ट जैन भाई, मैं बोलूँ आपको कि जैसे जब मैं मुंबई में रहता था मुझे याद है कि डिजेबल वर्ड पहली बात तो कुछ सब यानी समझ में नहीं आता था कि क्या होता है. हमारी दुनिया में कभी ऐसा लगा ही नहीं क्योंकि मेरी भी उम्र के ऑलमोस्ट 23 इयर्स तक मैं लाइक एज ए नॉर्मल जो भी बंदे होते हैं स्कूल जाते हैं विदाउट डिजेबिलिटी मैं भी था. खाली मुझे ऐसा लगता था जब मैं कभी कभी हाजी अली घूमने जाता था तो मुझे लगता था वहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके हाथ या पैर में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन जब खुद मेरे साथ हो गया तो पता चला कि इंडिया के अंदर अगर गवर्नमेंट के सेंसस के हिसाब से आप देखोगे तो 3% पॉपुलेशन इंडिया की पीपल विद डिसेबिलिटी है. I just know that's more than the number of Christians in the country. Being disabled person, मैं एक लड़का होने के बाद भी लाइक जो हमारी फिजिकल नीड्स होती है, जो हमारी वो थॉट्स होते हैं, वो चीज़ें अभी भी हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं यार. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके बारे में सोचता हूँ लाइक जो वुमेन्स हैं गर्ल्स हैं उनका क्या होता होगा. वुमेन विद डिसेबिलिटी और उनकी जो सेक्सुअलिटी है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता यार. ऑनेस्टली शम्स मैंने पहली बार इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता. थॉट भी आया है मेरे पास पहली बार दिमाग में. माय माइंड इज ब्लोन. हाँ माइंड लाइक इट्स लाइक ऐसे होता है ना जब ट्रेन लगती है और फिर यू लाइक ये दुनिया है. हाँ मतलब वही ऋतिक रोशन का पहला केस है ना. आप बार बार डिसेबल्ड वर्ड यूज कर रहे हैं और हमारी दुनिया में ये बहुत ही खराब वर्ड है. हम कहते हैं एटलीस्ट वेन वी राइट या जब हम किसी को रेफर कर रहे हैं हमें ये कहा जाता है कि भाई डिसेबल्ड वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है, डिफरेंटली एबल्ड वर्ड इस्तेमाल करना है. Isn't differently abled adding a sense of privilege to somebody? Not just privilege, it's like it's giving a power dynamic, I guess. सब लोग बोलते हैं, कभी कभी मुझे बोलते हैं specially abled बोलते हैं, differently abled बोलते हैं. आपको लगता है आपके इस बोलने से मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है? मैं disabled हूँ, मुझे पता है मैं physically disabled हूँ, आप बोलो या ना बोलो मैं physically disabled हूँ, मेरे इसमें कोई changes नहीं आने वाला है. और UN की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें ये बोला गया है कि आप डिजेबल यूज ही करो, डिफरेंटली एबल या स्पेशली एबल ये सिर्फ आप एक सिंपथी दिखाने के लिए आप यूज. एग्जैक्टली मतलब मेरा पॉइंट भी मैं क्वेश्चन सब तो बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट हूँ कि अगर आपको सिंपथी दिखाना है तो आप सिंपथी मत दिखाओ, आप एम्पथी दिखाओ कि हाँ सच में कि अगर हाँ इसी कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो हम हेल्प कर दें उसको और वो एम्पावर हो जाएगा यार. करेक्ट. आज के डेट में मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको कि लाइक मैं जब अपने गांव गया मुझे लोग बोलते अरे रे रे इसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, अच्छा खासा लड़का ऐसा हो गया, अब क्या करेगा नहीं करे. वो लोग मुझे बोल रहे हैं जो आज तक अपने गांव से कहीं शहर में भी नहीं गए होंगे. यार मैं क्या नहीं कर रहा हूँ बताओ आप. अभी मैं अपने घर से आपके ऑफिस आ गया, किसी ने आप मुझे सहारा नहीं दिया. कल मैं नेशनल चैम्पियनशिप बेंगलोर से खेल के यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं US जा रहा हूँ, UK जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, किसी को साथ में नहीं ले जाता हूँ मैं. जो आप कर रहे हो वो मैं कर रहा हूँ. और फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो मैं मानता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ में है. तो मुझे मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगेगा कि आप मुझे डिसेबल्ड बोलेंगे, मैं हूँ फिजिकल डिसेबल्ड. आप क्यों उस चीज को एग्जेजरेट कर रहे हो कि यार है ना. बट हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है. डिफरेंटली एबल हो जैसे हम जैसे आई थिंक प्रॉब्लम यही आती है ना. हमने इनकी कॉन्वर्सेशन में इनको एक्सक्लूड कर दिया. Exactly. इनसे तो पूछा नहीं कि भाई हम बात करें यार हमको ना ऐसे बुलाना चाहिए, उनको ना बुरा नहीं लगेगा. अरे that person lives that life. और मैं जी रहा हूँ ना. लाइक
एंड नॉट जस्ट दिस इज यू लाइक इफ लाइक आई एम सॉरी इफ आई एम स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी बट इफ आई हैव टू लिव माई लाइफ नोइंग आई हैव दिस वन थिंग आई हैव टू ओन इट अप एंड लिव विद इट एंड देन बी लाइक भाई ये तो जिंदगी है मेरी मैं मेरे को तो नहीं चाहिए कुछ इसका आई थिंक उससे बड़ी बात नहीं जैसे शम्स ने बोला ना कि आप तुम्हें क्या लगता है कि ही केयर्स उनको फर्क पड़ता है कि आप उन्हें किस नाम से एड्रेस करो लेकिन शम्स भाई दुनिया के इस तरफ इनको बहुत फर्क पड़ता है कि अगर मैं मसलन मैं कैमरा पर किसी को डिसेबल्ड बोल दूं लोग मुझे ऐसी तैसी कर देंगे कि डिसेबल्ड क्यों बोल रहे हो डिफरेंटली एबल्ड बोलो स्पेशली एबल्ड बोलो नहीं नहीं उस करेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ आप जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अगर आप गूगल पे जाओगे डिसेबल्ड ही करेक्ट वर्ड है डिसेबल्ड ही करेक्ट वर्ड है सेकंड ट्रेन हिटिंग पे और कुछ नहीं है बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है जब आप बोल नहीं पाते हो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि और फिर यही वजह होती है कि वो लीड करती है डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ और फिर हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं लाइक मैं तो फिर भी कुछ बोल लूँ लेकिन अगर सोचो कि मेरी जगह पे कोई लड़की हो वो डिसेबल्ड हो वो क्या ही बोलेगी यार करेक्ट और ये बहुत बड़ा इशू है जिसको कोई उसके ऊपर खुल के कोई बात नहीं कर रहा है या उस चीज़ को कोई दिखा नहीं रहा है आई थिंक इन जनरल इंडियन सेटअप में टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी मतलब नहीं इट इज लाइक हम नहीं कर सकते इट्स अ वेरी वेल नोन थिंग बट लाइक इवन लड़के टू लड़का अगर मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है माई बेस्ट फ्रेंड आई कांट रियली टॉक अबाउट माई सेक्सुअलिटी टू माई बेस्ट फ्रेंड आई थिंक मैं शम्स की किस बात से वो करता हूँ कि एज मैन हम फिर भी बात कर लेते हैं हाँ हम फिर भी बात कर लेते हैं आई एम दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एट एबल्ड मैन ऑनेस्टली मतलब मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि हाँ भाई मुझे थोड़ी दुनियादारी की अकल है थोड़ी समझ है मेरे दिमाग में ये चीज़ कभी आई ही नहीं मतलब ये पहली बार है आपके कहने पर कि मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हाँ यार ये कैसे होता होगा जैन भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जब आप उस चीज़ से जा रहे होते हैं ना हाँ तभी आपको वो चीज़ों का पता चलता है पर्सनल एक्सपीरियंस ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आता है ये तो शैन भाई हाउ डू यू अप्रोच इट अगर आप यूएस की बात करें वहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं यूएस में तो ऐसा है कि लाइक अभी मेरे दोस्त हैं वहाँ पे वो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आओ हम आपको बताते हैं डिसेबिलिटी क्या है व्हील चेयर क्या होता है इसका यूज़ क्या होता है इस पे रहना कोई गुनाह नहीं है यहाँ पे लोग ऐसा समझते हैं ना कि अरे इसने कुछ तो बुरे काम किए होंगे तभी इसको ये ऐसा कर्म है हाँ ये इसका कर्म है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये लाइफ के किसी भी स्टेज में किसी को भी कुछ भी हो सकता है यार और ये एक असिस्टिव डिवाइस है जिसको यूज़ करना चाहिए और इसको यूज़ करने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए अभी देखो ना अगर सिंपली मुझे कुछ लेना है पानी पीना है या कुछ मैं आपसे मांगूंगा तो वो एक मदद हो जाएगी लेकिन मैं खुद से ले लूँगा तो ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो है सोसाइटी जो है वो डिजेबल लोगों को एक्सक्लूड ना करें कहीं से भी देखो हम डिजेबल हैं फिजिकली वो हैं नो प्रॉब्लम नो डाउट कि कुछ चीज़ें आप हमसे बहुत अच्छी कर सकते हो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपसे बहुत अच्छी कर सकते हैं नहीं बट वो कॉन्वर्जेशन हो ही क्यों वो फैक्टर ही क्यों हो हाँ और वो फैक्टर ही क्यों हो करेक्ट मतलब मेरे और आपके लिए ठीक है ये एक डिसएडवांटेज है बट अदरवाइज लाइफ शुड बी फेयर मतलब वो तो यही बात है ना आप चश्मे पहनते हो आप नहीं पहनते मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम भाई उठा लाइक आई एम ट्रीटिंग यू वेल कि भाई मुझे कोई एक्स वाई जेड खाना खाना है मुझे एक्स वाई जेड रेस्टोरेंट जाना है मुझे एक्स वाई जेड एक्सपीरियंस करना है लाइफ में वाई शुड हिम बींग ऑन अ व्हील चेयर और समबडी एल्स बींग ऑन अ वॉकर शुड बी अ फैक्टर एंड मैं आपकी बात पर थोड़ा सा वो करता हूँ मेरे फादर वॉकर पे चलते हैं बिकॉज ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक्स न्यूरो स्ट्रोक्स तो अच्छा पहले वो स्टिक पे चलते थे पहले रिकवर कर गए वॉक करते थे सब काम करते थे अब स्टिक पे चलते हैं अब वो वॉकर पे चलते हैं हालांकि मुझे कोई उन पे तरस नहीं आता है या मुझे वो लगता है कि अरे बेचारे ये ऐसा हो गए बट हाँ इन द बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये रहता है कि काश ही वापस स्टिक से चल पाए जैन भाई मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले मैं ना पटना गया था मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था उसके लिए वहाँ से मैं रिटर्न आ रहा था और एज यूजुअल मैं अकेला जाता हूँ तो और उस टाइम है ना मैं ट्रेन से गया था ट्रेन व्हीलचेयर इंडिविजुअल बैड कॉम्बिनेशन हाँ मैगी के साथ कोक ऐसे ही बस एक आदमी मेरे को आकर के पूछते हैं भाई आप कैसे अकेले हो कोई है कि नहीं साथ में आपके मैं आपकी हेल्प कर दूँ बोला नहीं नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं सब कुछ कर लूँगा वो बंदा बोलता है
आप कैसे कर लेते हैं, मेरा भाई तो पिछले 13 साल से व्हीलचेयर पे, उसको हम खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके पीछे हमने 90 लाख रुपया खर्चा कर दिया है, दिल्ली की जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल है उसमें दिखा लिए। मैं बोला उसके पास आपने व्हीलचेयर कितने की खरीद के दिए? 5000 तो है भाई। तो बोला ये क्यों कर रहे हो आप, 13 साल हो गए। तो वो मुझसे पूछा कि आपको कितने दिन हुए? मैं बोला मुझे 10 साल हो गए। तो अभी आपके दवा चल रही है? नहीं चल रही। बोले यार मेरी दवा क्यों चलेगी, मैं सब कुछ नॉर्मल है, मैं अपना कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको समझाया उनका प्रॉब्लम क्या है। ये जो आपने अभी बताया कि आपको थोड़ा बुरा या फील होता है, वो बुरा फील नहीं होता एक्चुअली में, उसकी रीज़न ये है कि वो आपके कनेक्शन में है, लाइक वो आपका ब्लड रिलेशन है। तो वो बंदे का भी यही प्रॉब्लम था कि उसके माँ बाप पैसे वाले, और वो अभी भी उनको ये वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारा बेटा डिसेबल्ड है। देखो एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, कि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ ये जैसा भी है मेरा है। विच ऑल्सो मेक्स मी थिंक कि ये जो आप बता रहे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए। हाँ कि और मतलब मुझे अगेन मैं बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि वो मेंटल स्ट्रेंथ कितनी आसान है। अब मैंने निकाल दिया है माइंड से, मैं लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी हालत में हो यार एक्सेप्ट करो। और पहले मुझे भी लगता था, वो कहते हैं ना कि अपना दुख बहुत ज़्यादा लगता है। आप यकीन मानो मैं कनाडा गया, वहाँ पे मैंने मेक्सिको से लड़की को देखा, दोनों हाथ नहीं है उसके, सिर्फ दोनों पैर हैं, अपने दोनों पैर से वो अपना मोबाइल चला रही है, अपनी ज़बान से हर एक चीज़ कर रही है। अब आपको लगता है उसके सामने मैं ये बोलूँगा कि मैं डिसेबल्ड हूँ? जैसे आप बात कर रहे थे एक्सेप्टेंस के बारे में, पर्सनली फॉर मी एज वेल एक्सेप्टेंस वॉज अ पार्ट इन माई लाइफ, जो एक था कि मुझे भी काफ़ी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ी टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ। एंड आई नो कि ये जो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ डिसेबिलिटी वाले जोन में नहीं आता। कई लोगों को सेक्सुअलिटी के साथ होता है, कई लोगों को फाइनेंशियली होता है, कई लोगों को कुछ होता है। तो आई वॉन्ट टू नो योर प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस, इफ दैट कुड हेल्प पीपल और एटलीस्ट मी। अगर मुझसे पर्सनली आप पूछ रहे हो तो अभी मेरे लिए ना एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। तो लाइक वो लड़की काफ़ी अच्छा थी, उसने मुझे देखा और सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके डैडी लाइक फिर से वही सवाल आया कि लाइक हमारा नवासा नवासी कैसे होगा। वो यानी ऑब्वियसली एक यानी देख करके लगता है कि भाई एक उनके माइंड में वो माइंडसेट वो आया। फिर वो हमारा हुआ नहीं, ठीक है वो चीज़ हो गई। लेकिन अब इससे क्या होता है कि लाइक लोगों का सवाल आता है, जैसे आपने बोला सेक्सुअलिटी को, कि शम्स का क्या ही प्रॉब्लम होगा, या फिर उसकी वजह से ये ऐसा चीज़ें हो रही है, या इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक्चुअली में। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं ये सच में बोल रहा हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको लाइक, क्योंकि कितने बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं बी पॉजिटिव रहो या ऐसे मोटिवेटेड रहो, और घर पे जाके देखो आप वो बेचारे रो रहे होते हैं, डिप्रेस रहते एकदम। तो मुझे सच में वैसा नहीं बोलना है एक्चुअली में, कि अगर हाँ लिटरली अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ मेरी ही लाइफ है और सच में मुझे इसको मुझे ही जीना है, तो फिर शायद आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि लाइक जब मेरे साथ में ऐसा हुआ था, लैपटॉप था मेरे पास, रात रात भर मैं लैपटॉप पे बस रिसर्च कर रहा हूँ कि इसमें कुछ तो है, ये जो डिसेबिलिटी है इसको बोलते क्या है, इसमें क्या मेडिसिन ले लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँ। क्योंकि यार एकदम यंग एज 23-24 में आपको जस्ट अभी आपकी इंजीनियरिंग कम्प्लीट हो रही है, आपके लाइफ में आपका कोई पार्टनर है, आपके माँ बाप को आपके ऊपर यानी है कि भाई अब इसकी शादी ब्याह करेंगे, बहुत सारी चीज़ है ना। तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं इतना डिप्रेस हो गया था, यानी लोगों को तो नहीं दिखाता था, लेकिन मैं रात रात भर ऐसे रोते रहता था कि यार क्या हो गया। कि डॉक्टर आपको ना होल्ड पे रखते हैं कि आप 15 दिन के बाद आ जाओ, फॉलोअप ले लो, ऐसा। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं तो बोलता हूँ कि अरे आप क्यों उसको ऐसे कर रहे हो। मैं समझ रहा हूँ कि उसको डायरेक्टली आप अगर नहीं बोलोगे तो उसको यानी कुछ तो बुरा फील होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप आहिस्ता से किसी को बताओ, उसके फैमिली मेम्बर को बताओ, ताकि वो लोग थोड़ा तो कुछ तो प्रिकॉशंस ले, उसको समझाएं, वो एक प्लेटफॉर्म पे तो आए। अल्लाह बेहतर जाने मेरी अम्मी को कहाँ से ये दिमाग में आ गया। वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी कि शम्स नहीं नहीं आप बेफिक्र रहो, कि मुसलमान होने के नाते से, और वो जो उनका, हालांकि मेरी अम्मी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका ये बहुत अच्छा स्ट्रांग बिलीफ था कि शम्स अगर आपके लिए अल्लाह ताला ने एक दरवाज़ा बंद किया है तो 10 दरवाजे खोल देगा।
कॉल सेंटर से स्टार्ट किया यार, ये हालत में 6,000 रुपये की जॉब स्टार्ट किया, और मैं बोला कम से कम एटलीस्ट मैं घर से बाहर निकलूंगा। तो वहाँ से जब मैंने निकलना शुरू किया, फिर इत्तेफाक ऐसा था कि वहाँ पे मुझे कुछ खेलने वाले लोग मिल गए। और आप उससे पहले थे स्पोर्ट्स में, मतलब उससे पहले आपका कुछ डिड यू हैव दैट इंक्लिनेशन? खानदानी खिलाड़ी हैं हम लोग, और मैं पहले से, ये डिसेबिलिटी होने से पहले ही मैं इंटरनेशनल लेवल पे कराटे खेल चुका था। खत्म जाओ, चलो छुट्टी हो गई मेरा तुम्हारी। उससे पहले ही मैं, मेरा सब कुछ हो चुका था। हाँ, बट ये था कि इसके बाद थोड़ा सा वो जो था कि भाई अब खेल वेल का वो ख़त्म जैसे हो गया था, बट फिर ऐसे लोगों से मिला और फिर से, तो उसके बाद ये स्विमिंग की कहानी शुरू हुई। आई थिंक यहाँ पर ना, मैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, एक फिल्म थी शॉशैंक रिडेम्पशन, जिसको IMDb में कहते हैं कि दुनिया की ग्रेटेस्ट फिल्म एवर मेड। उसकी एक लाइन है जो कि मतलब मेरे ख्याल से हर सिनेमा लवर के जबान पर रटी होगी, वो लाइन है कि होप इज़ अ गुड थिंग, प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग, एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। अब मुझे ये लग रहा है आपकी बात सुन के, दैट मे बी होप इज़ नॉट द बेस्ट थिंग, बिकॉज समटाइम होप कैन बी फॉल्स एंड इट कैन ड्राइव यू अवे फ्रॉम एक्सेप्टेंस। मौत की सबसे खतरनाक, अच्छी और ख़तरनाक बात यही है कि इट किल्स होप। लाइक माई मॉम वॉज इन द हॉस्पिटल एंड शी डाइड अ कपल ऑफ ईयर्स बैक। वो जो 4 दिन उनके हॉस्पिटल में थे, उन 4 दिनों मेरे अंदर होप थी कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, शायद कोई मौजज़ा हो जाए कि शी माइट। हालांकि मुझे लग रहा था कि इनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, और वो होप ना, वो होप आपको मार देती कई बार। What I got from you is that ki to get over that phase of doctor wala, you, the thing was you starting from the scratch, zero level se, ki ab these are the cards that I'm dealt with, ye card hai, ab mujhe iske sath game khelni hai apni puri, and like starting research ki main kya kya kar sakta hu, what my horizon, meeting new people and all these things. Main ye bolna cha raha hu ki like वो जो आपकी होप है, आप गलत होप मत दो। देखो होप होनी चाहिए इंसान को, बट गलत होप मत दो। अगर मैं यही सोच करके अभी तक रह जाता 2012 से कि मैं अब चलूँगा, मैं बिहार से हूँ, और बिहार में आप जहाँ पे मैं हूँ मधुबनी जिला, वहाँ पे अक्सर बाढ़ ही आ जाता है। तो अगर यार वो यानी मजबूरी है हमारी, ऐसा नहीं कि वो यानी हमको आना चाहिए, वो हमारी पीपल इन बॉम्बे में बाढ़ आ जाता है। हाँ, बॉम्बे में बारिश होती है, बॉम्बे में भी बाढ़ आई है, बट लाइक ये जो आप पूछ रहे होते, लाइक जनरली बिहार का है तो सीन ऐसा था, और लाइक मैंने बताया था कि मेरे घर के बाजू में, मेरे घर गांव में 3 नदी, चौथा मेरे घर के बाजू में तालाब है। छोटा सा बच्चा जाएगा कहाँ यार, अब पता भी चल गया बाढ़ क्यों आती है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जनरल है बस उसका। Have you ever peed in a pool? मैं मान नहीं सकता कि नहीं हुआ। नहीं, ऑब्वियसली लाइक सब मुते हैं भाई पूल में, तुम्हें नहीं मुता है? मुता मैंने बीच में रोक लिया था क्योंकि कलर चेंज हो रहा था। ए भाई, हाँ ये वाटर पार्क का है, क्योंकि मुझे याद है जब लाइक शुरू में स्कूल से SL वर्ल्ड गए थे, तो वहाँ पे लाइक मुझे बहुत शौक था कि वो वहाँ पे ऐसा जंप करूँ, ऐसा करूँ, और हो ही जाता है। वहाँ पे आप कहाँ जाओगे ढूंढने के लिए? US में करा है? US की तो भाई स्विमिंग पूल बहुत छोटे छोटे थे, मुझे लगा वो होता ना कहानी ना कि US में मूत गया। आपकी फैंटेसी से लग गया है ये, अलग है, ये नॉर्मल नहीं है, आप ये बहुत हाई लेवल की है ये, जस्ट सो यू नो दिस इज नॉट अ जनरल परसेप्शन कि US जाके मूतेंगे पूल में, वहाँ उनके पूल में मूत। वो अंग्रेज नहीं है, UK अलग है फिर भी। अच्छा, मुझे लगा बदला टाइप से ना, रेपरेशंस। बट ये चीज में कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूंगा, ये मेरे अंदर आती है, क्या मैं बताता हूँ, क्योंकि जनरली क्यों मैं बताता हूँ उसकी रीजन क्या है। जैसे कि देखो आप, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, आज आपके ऑफिस में आया मुतने का है इसके, तो लाइक जितने भी कंट्रीज गया वहां पे, क्योंकि फ्रेश होना मेरे वो है, तो आप उसको क्या ही कर सकते है, बस शौक है। अब शौक ही समझ लो, मजबूरी, और मैंने मजबूरी को अपना शौक बना लिया। दिस इज व्हाट यू गेट इन आवर पॉडकास्ट, फ्रॉम टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस लाइफ टू मूत। मूते कहाँ कहाँ है? मैं तुम्हें बताऊं, हाँ नहीं, मुझे भी पेशाब करना बहुत पसंद है, बट मैं बता रहा हूँ, एंड आई डोंट नो इफ यू विल रिलेट और नॉट, मुझे ना सबसे ज्यादा अफसोस कब होता है कि रमजान में जब रोजा रखते हैं,
तब सवेरे शहरी में पानी पीता हूँ आप दबा कर, 2 लीटर, मैं 1.5-2 लीटर पानी पीता हूँ, और वो सवेरे निकलता जब दिखता है ना कि मेरा भाई कहाँ जा रहा है, तो पूरा दिन बचा है भी। बट हाउ इज इट टू रिप्रेजेंट इंडिया? आई थिंक ये सवाल तो बहुत बार आपसे लोगों ने पूछा होगा। आज सच बताना, जिसमें झूठ बोल ही नहीं सकते। पहली बार तो रोना आया होगा ना? मैंने भाई हाँ, रोना कब आया था मैं बताता हूँ आपको। लाइक रोना उस वक्त आया था लाइक जब वो नाम लेते हैं ना आपका, शम्स आलम फ्रॉम इंडिया, और जब जाओ आप तो ऐसा लोग आपके पीछे हाथ हिला रहे हैं और वो सब देख रहे अनजानी जगह पे, कोई पहचानता नहीं है, फिर भी आपके लिए लोग ऐसा हाथ हिला रहे, तो लाइक वैसे लगता है कि हाँ यानी बहुत बड़ी चीज़ है, यानी इंडिया से बिलोंग करना बहुत बड़ी चीज़ है। म्यूजिक चलता होगा चक्दे। हाँ वो चक्दे का तो नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी लाइक वो जैसे ही आपका नाम लेते हैं ना, शम्स आलम फ्रॉम इंडिया, वो एक इतना एनर्जी और पावर, और फिर उसके बाद लाइक इमोशनल भी बहुत हो जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ मैं पता नहीं शायद जैन में मैं तो पिक्चर्स देखते देखते रो देता हूँ, तो वहाँ पे तो समझ लो आप मेरी हालत क्या होती होगी। नहीं अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली कल एक क्रिकेट मैच था एंड कृणाल पांड्या इज हार्दिक पांड्याज एल्डर ब्रदर, ही मेड इज डेब्यू फॉर इंडिया, उसका इंटरव्यू हो रहा था एंड वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाया यार वो, उसने थोड़ी देर बात बात करी, उसने फिर बोला कि भाई मेरे से नहीं होगा बिकॉज ही वाज सो ओवरवेल्म्ड कि ऑल्सो हिज फादर हैड पास्ड अवे सम टाइम बैक कि वो इवेंचुअली इंटरव्यू ही नहीं दे पाया बिकॉज ही वाज सो ओवरवेल्म्ड बाय द फैक्ट कि मैंने इंडिया के लिए एक वनडे मैच खेल लिया। मैं जब जा रहा था 2018 एशियन पैरा गेम्स के लिए, तो मेरी वालदा गिर चुकी थी, उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मेरा सिलेक्शन लेटर आ चुका है और ऑब्वियसली जो आपने बोला कि मुझे बुरा फील होता है, तो वही चीज़ें उस वक्त मेरे अंदर थी कि मैं कैसे अपनी माँ को छोड़ करके चले जाऊँ। उस वक्त मेरे अम्मी के अल्फाज है, कहती हैं कि बेटा आपने इतनी मेहनत की है, मुल्क को आपकी ज़रूरत है, आप जाओ मुल्क के लिए आप खेलो। यानी मैं क्या ही बोलूँ, यानी मुल्क और माँ में कोई फ़र्क नहीं है, एक तरफ माँ है और एक तरफ मुल्क है, और ये दोनों ही ऐसी चीज़ें जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, चाहे भले मैं रहूँ ना रहूँ, पूरी ज़िंदगी भर मेरे नाम के आगे ये लगा हुआ रहेगा कि शम्स आलम ने कभी इंडिया के लिए खेला, व्हिच इज़ अ बिग थिंग। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, इससे ज़्यादा अचीवमेंट बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती है। हिंदुस्तान की जो मेजर आवाम है उन्होंने क्रिकेट को छोड़ो किसी स्पोर्ट को सीरियसली नहीं लिया, अनलेस कोई एक सानिया मिर्ज़ा आ गई तो टेनिस की बात होने लगी, सायना नेहवाल आ गई तो बैडमिंटन की बात होने लगी, अभी फिर इवेंचुअली लाइक क्रिकेट इज द ओनली स्पोर्ट इन इंडिया इट सीम्स। लाइक व्हाट यू फील अबाउट योर स्पोर्ट इन दिस इकोसिस्टम? आपके जैसे पॉडकास्ट चला रहे हैं या इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि लाइक देखिए दिखाइए ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ खेल नहीं है, क्रिकेट में ऑब्वियसली पैसा है। आज आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी जो इंटरनल जो फेडरेशन की चैट्स या ग्रुप्स है उसके अंदर भी हम यही बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों नहीं हम स्विमिंग को लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। बाहर के देशों में हर एक गेम्स को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, उसके अपने लीग्स हो रहे हैं हर एक चीज़ के, स्विमिंग को क्यों नहीं कर रहे है? या स्विमिंग के अलावा और भी जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, खो खो हो गए, कबड्डी हो गई, कबड्डी तो फिर भी अभी आ गया है उसका, बट दूसरे जो भी गेम्स हैं उसको आप क्यों नहीं कर रहे? देखो ये जब तक, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक हम देखेंगे नहीं, अभी आपने कोको कोला लिया है, किसी ने देख लिया तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ कोको कोला नाम की भी कोई चीज़ है। अब जब तक आप दिखाओगे ही नहीं लोगों को, तब तक क्या ही पता चलना है यार। ये बात है, और आने वाले फ्यूचर में मैं आज आपके इस पॉडकास्ट पे ये बोल रहा हूँ कि क्रिकेट ऑब्वियसली टॉप पे रहेगा, अगर उसके बाद अगर कोई चीज़ अगर मीडिया में आएगी अगर, तो वो है पैरास्पोर्ट्स। पैरास्पोर्ट्स को लोग कवरेज दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मे बी सोर्स ऑफ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन और अदरवाइज ये उनके लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं और हम रिजल्ट ला के दे रहे हैं आपको। मैं तो चाहता हूँ कि आप स्कूल से स्टार्ट कीजिए यार, बच्चे स्कूल में जो डिजेबल्ड बच्चे जाते हैं, क्या उनको शौक नहीं होता होगा कि वो खेलें कुछ? उनको भी शौक होता होगा ना कि मैं भी खेलूं। और अगर सोचो अगर आप हमारे जैसे लोगों का इस्तेमाल करो कि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, उसको हम जाके बच्चों को सिखाएं, गवर्नमेंट हमारे जैसे लोगों को हायर करे, तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि वो बोलते हैं कि ना नथिंग अबाउट अस विदाउट अस,
आप अगर हमारे बारे में कुछ सोचते हो तो हमारी एक्सपर्टीज को आप इस्तेमाल करो. कि अब ये कहते हैं फिलहाल कि हिंदुस्तान में कि इंडिया हैज़ अ क्रिकेट फैक्ट्री, कि इंडिया में आपका कोई भी प्लेयर बाहर हो जाता है, इंडिया डजंट नीड टू वरी बिकॉज उनका रिजर्व टीम भी इज बेटर देन एवरी अदर कंट्रीज ए टीम. दैट इज बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है क्रिकेट का इतना. उसके बाद बावजूद अगर एक पैरालंपियन मेडल ला रहा है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, आई थिंक दैट्स अ बिगर अचीवमेंट, दैट्स अ बिगर विक्ट्री फॉर इंडिया, फॉर एन इंडियन एसेंशियली. मुझे पता ही नहीं था 12वीं क्लास तक कि कंटेंट क्रिएशन भी कुछ होता है ना. Exactly. वही बात है कि मुझे exactly. एक चीज है जो मुझे पता है मुझे पसंद आएगी, मुझे पता है मुझे इस तरह का लाइक दिस गिव्स मी अ किक, देन इट्स अबाउट द मार्केटिंग फैक्टर, राइट? मार्केटिंग फैक्टर कि मतलब भाई बैडमिंटन भी बैडमिंटन की वजह से नहीं बिका, वो बिका इसलिए क्योंकि उसके साथ एक नेशनलिस्ट वैल्यू अटैच हो गई कि देश की लड़की देश का सर ऊंचा कर रही है, नाम रोशन कर रही है. पहली बार ऐसा हुआ मेरे लिए तो बहुत इनसाइट थी यार. आई थिंक माई माइंड गॉट ब्लोन इन लाइक 3 डिफरेंट प्लेसेस एंड थैंक्स टू यू एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर डूइंग दिस विद अस एंड बीइंग आवर फर्स्ट गेस्ट. एक्चुअली दैट लाइक इट्स अ बिग डील फॉर अस एज वेल. सो लाइक हमारा तीसरा एपिसोड है. लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था ना मुझे बहुत ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं इस सीजन को या इस पॉडकास्ट को बहुत दिन हो गए और उसके बाद जो नहीं वो हम अच्छे बहुत हैं. अच्छा आप कभी भाई हमें भी रिकग्निशन नहीं मिला. आप अच्छे हम भी मतलब अच्छे हैं ठीक है. बट नहीं एनीवे बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट एंड लाइक ऑल योर आइडियाज वर सो इम्पैक्टफुल नॉट जस्ट फॉर मी आई एम श्योर फॉर द ऑडियंस एज वेल. And the audience, if you're listening this on any podcasting platform, if you're watching this on YouTube, please feel free to comment down below ki tum koi questions ho jo reh gaye ho, so we can call you again and ask you to come again on the podcast and ask you more questions. And for that you need to subscribe. Aap subscribe kar lega channel. Bilkul bilkul. Bade Allah Allah karke 1 million hue.